figure shows planar waves refracted from air to water using Huygens principle. A, B, C, D, E are length on the diagram. The refractive index of water with respect to air हमसे यहाँ पर पूछा गया है, तो मान लेते हैं यहाँ पर refractive index mu 1 है और यहाँ पर refractive index mu 2 है. इसका वैल्यू 1 है और इसका वैल्यू हमें पता नहीं है. तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, या लेट्स से इसको हम लोग mu 1 ही मान लेते हैं, इसका भी वैल्यू मान ले हमें नहीं पता है किसी पर्टिकुलर कंडीशन में. अच्छा, हम लोग ये बात तो कन्फर्म जानते ही जानते हैं, अगर ये लाइट यहाँ पर गिर रही है इस वाले पॉइंट पर, तो दिस विल बी नॉर्मल. तो ये एंगल हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और ये एंगल हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा. अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दिस एंगल विल बी 90, बिकॉज वेव फ्रंट हमेशा इंसिडेंट लाइट से या रिफ्लेक्टेड लाइट से 90 डिग्री एंगल बनाते हैं. तो बेसिकली दिस विल बी 90 माइनस आई, देन दिस विल बी आई ओनली. सिमिलरली इफ दिस इज आर, देन दिस विल बी 90 माइनस आर, और अगर ये 90 है तो बेसिकली ये वैल्यू यहाँ पर आर की होनी चाहिए. अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम लोग देखें, हम लोग लिखेंगे साइन आई, साइन थीटा इज नथिंग बट अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब बी बाई सी हो जाएगा. सिमिलरली साइन आर की वैल्यू अगर हम लोग लिखें, तो साइन आर विल बी अपोजिट, जो कि डिस्टेंस दे रखी है डी, अपॉन एडजेसेंट मतलब डिस्टेंस सी हो जाएगी. अब हम लोग डायरेक्टली स्नेल्स लॉ यहाँ पर पुट कर सकते हैं, म्यू वन इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू इंटू साइन आर. हमें यहाँ पर चाहिए म्यू टू अपॉन म्यू वन, तो म्यू टू अपॉन म्यू वन इज नथिंग बट साइन आई अपॉन साइन आर. अब साइन आई और साइन आर का वैल्यू हमने ज्योमेट्री से वहाँ पर लिखा हुआ है, वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे तो इट विल बी नथिंग बट बी बाय सी अपॉन डी बाय सी. सी एंड सी विल गेट कैंसिल आउट, सो इट विल बी नथिंग बट बी बाय डी, विच इज द रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर. मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही आंसर होना चाहिए.